हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो कैसे हो सब, कैसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। और आप सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। जैसे देखिए, आप सब जानते हैं आज 1 तारीख है और आज से जो गेट एग्जाम है उसके फॉर्म भी आज से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आप जैसे गेट का जो नोटिफिकेशन आया था उसके जस्ट 1-2 मिनट बाद मैंने अपनी साइट पर डलवा दिया था। तो आप डालोगे ना गेट 2019 वाईफाई स्टडी तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वरना आप जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सारी आपको ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ देखिए, गेट का एग्जाम बस अब आ चुका है, शायद मैकेनिकल का तो देखना 2nd of Feb को होगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी पेपर होते हैं उसमें सबसे पहली तारीख होती है मैकेनिकल का सबसे पहले होता है उसमें, तो 2nd of Feb को हो सकता है मैकेनिकल को, 2nd या 3rd को, ठीक है। तो अपने पास अब थोड़ा वो बचा है, अब अपन क्या कर रहे हैं, जो क्लासेज है थोड़ा कंटिन्यू करने की सोचता है। कंटिन्यू मतलब अभी सैटरडे संडे हो रही है ना केवल, तो अपन 20 तारीख तक के आसपास टाइम दीजिए, क्लास अपन रेगुलर कर देंगे, टाइम ड्यूरेशन भी अपन बढ़ा देंगे जिससे अपना सिलेबस थोड़ा जल्दी हो, ठीक है ना। बिल्कुल ढंग से तरीके से करेंगे, बिल्कुल गेट लेवल का करेंगे और सारा सिलेबस फरवरी तक अपन कंप्लीट करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। तो देखिए अपना क्या चल रहा था, अब बिल्कुल अब उस पे आता पॉइंट पे, अपना जो प्रीवियस जो वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ा था, ठीक है। फ्लो थ्रू पाइप्स का एक लेक्चर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था, अब उसी के कंटिन्यूएशन में अपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवाता हूँ। फ्लो थ्रू पाइप्स में मैंने क्या बोला था, कोई से भी फ्लो को फ्लो थ्रू पाइप्स की कैटेगरी में कब आएगा, जब जो फ्लो होगा पूरी डेप्थ तक होगा, ठीक है। और आपने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी निकाली होगी, उसमें अपन ने क्या निकाला था, 4ACS/P, आपको याद हो तो ACS क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया, P क्या था, वेटेड पैरामीटर, जो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकल के आई थी पाइप फ्लो के केस में वो क्या आई थी, D। ये सब इतनी चीज थी। फिर अपने लॉसेज के बारे में पढ़ा, लॉसेज मैंने बताया था मेजर लॉसेज होता है, माइनर लॉस। मेजर लॉसेज क्या होते हैं, जो फ्रिक्शन के कारण जो भी लॉस होते हैं वो किसके कैटेगरी में रखे थे अपन ने, मेजर लॉस को, क्योंकि उनका वो कंसिडरेबल होते हैं, ज्यादा अमाउंट के होते हैं, ठीक है। तो और माइनर लॉस की अपन ने बात भी नहीं करी थी, बस मैंने हेडिंग करके लिख दी थी माइनर लॉस, ठीक है। अब माइनर लॉस हो सकता है आज के, हाँ आज के में पूरा कंप्लीट करवाने की अपन कोशिश करेंगे। और मेजर लॉस में आपको मैंने 2 इक्वेशन बताई थी कि 2 इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे, पहली अपन पढ़ चुके थे डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन क्या थी, हेडलेस इजिकल्स टू FLV² / 2GD, वहां पर F क्या था, फ्रिक्शन फैक्टर था। और मैंने बताया था फ्रिक्शन फैक्टर इज दी 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कोफिशियंट, तो फ्रिक्शन फैक्टर क्या आ रहा था अपना, अपना जो फ्रिक्शन फैक्टर क्या आ रहा था अपना, 4F' आ रहा था या नहीं आ रहा था, तो अपने फ्रिक्शन फैक्टर अपन ने क्या निकाला था, 64/Reynolds number निकाला था, ये भी आपको ध्यान होगा, ठीक है। हेडलॉस अपन ने क्या निकाला था, FLV² / 2GD निकाला था, नहीं निकाला था, इसके यूनिट क्या थे मीटर में, ये किस किस के लिए वैलिड है, लेमिनार के लिए, टर्बुलेंट का, ये सारी बातें अपन कर चुके थे, थोड़ा जस्ट मैंने रिवाइज करवा दिया क्योंकि 1 वीक हो गया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ अपनी क्लासेज के अपन कंटिन्यू करने के सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब इस बार आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए, 20 तारीख के आसपास थोड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, 20 से आपकी क्लासेज रेगुलर करने की प्लान कर रहे हैं और रोजाना 2-2, 3-3 घंटे भी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो हम आपके लिए कितना सीरियस है, तो बस आपको भी अब ज़्यादा उसमें नंबर्स में जुड़ना है, ठीक है। अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं, ये तो सारी चीज़ अपन पढ़ चुके थे। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं, मैंने डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन जो भी लिखी थी वो डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन ही थी। तो अब अपन पढ़ते हैं मेजर लॉसेस में जो दूसरी इक्वेशन आती है, डेट इज चीजीज फॉर्मूला, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए चीजी, हेडिंग डाल लीजिए चीजीज फॉर्मूला। देखिए चीजी फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको हेड लॉस ही देगा, जैसे डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन दे रहा था, सिमिलरली चेजिस फॉर्मूला से भी अपन को हेड लॉस मिलेगा। तो अपन देखते हैं चेजिस फॉर्मूला बोलता क्या है, एक एक टर्म आप ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए चेजी इक्वेशन है V=C√M(I), ध्यान से समझना, एक एक टर्म आराम से क्लियर करेंगे। ये वी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, वी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जी क्या है, मैं इधर सॉरी सी क्या है, इधर सी लिख देता हूं मैं, इधर सी है चीजी कांस्टेंट, ठीक है। एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, एक एक टर्म अभी क्लियर करेंगे। एम क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें आई क्या है, जो स्मॉल आई वो क्या है, स्लोप ऑफ HGL। और कुछ बच्चे 2-3 वीडियो पहले बात करते हैं HGL क्या होता है, TL क्या होता है, तो मैंने बोला था आपको टाइम मार्जिन दीजिए, सब चीज़ बता दूंगा। तो अभी पूरा आपको देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, पूरा एक एक। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ HGL, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। देखिए
देखिए अब आप बोलेंगे वी एवरेज तो सुना हुआ है बिल्कुल, ये कुछ नए टर्म आ रहे हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आ रहा है, ये स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, आप बोलेंगे स्लोप तो पता ही है, एचजीएल क्या है ये समझ नहीं आ रहा, चीजी कॉन्स्टेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए जस्ट चीजी तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है सी, इसके तो बाद में बात करते हैं पहले हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है, ठीक है, ये एम क्या है, एम क्या होता है, देखिए जैसे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या आती है पाइप फ्लो के केस में 4 CS/P थी, ठीक है। हाँ देखिए कमेंट करना बंद करिए, अब इधर देखिए, अब थोड़ा अपन को स्पीड पकड़नी है, मैं फिर बोल रहा हूँ एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या थी 4 ACS/P थी, ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है ACS/P, ACS क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, पी क्या है वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास पाई, अपन देखिए पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं, पाइप फ्लो में तो पढ़ रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप्स, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप फ्लो के केस में क्या होगा पाई बाय 4 B² वेटेड पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर पाई इंटू डी, ठीक है। जब ये कैंसिल करोगे आप, जब आप कैंसिल करोगे पाई से पाई कैंसिल, डी से एक डी कैंसिल, तो इसमें क्या बच जाएगा डी बाय 4, ठीक है, ये स्मॉल एम की वैल्यू आपके पास आ गई डी बाय 4। अब देखिए ये जस्ट एक टर्म था, मैंने आपको बता दी क्या होता है, एम की वैल्यू आ गई डी बाय 4। बात करते हैं आई क्या है, मतलब ये जो स्लोप है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये क्या होता है, इतना आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, फिर थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। देखिए हाँ सिलेबस हो जाएगा ये कमेंट में, बस बार बार एक ही चीज़ मत बोलिए करिए सिलेबस, हम खुद अब टाइम बढ़ाने की सोच रहे हैं, 2-3 घंटे रेगुलर करेंगे रोजाना का, 20 तारीख के आसपास वेट कर लीजिए आप, ठीक है, आपको दिख जाएगा पूरा। दो मिनट के लिए मैं इसको इधर लगाता हूँ, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से समझिए, इधर मैंने आपको क्या बोला एम अपना निकल के आ गया था, डी बाय 4 निकल के आ गया था। अब देखिए मेरे को एक चीज बताइए, अपन ने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी या नहीं पढ़ी, बर्नौली इक्वेशन अपन ने पढ़ी, तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2G प्लस जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये बर्नौली इक्वेशन थी या नहीं थी, इसका एक एक टर्म के यूनिट क्या थी मीटर थी, क्यों, क्योंकि ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है, ये क्या है पोटेंशियल हेड है। अब ध्यान से समझिए एक बात, देखिए जो प्रेशर हेड होता है और पोटेंशियल हेड होता है, जो दोनों का सम होता है, दोनों का जो एडिशन होता है, ठीक है ना, वो कौन सा हेड होता है, वो होता है पीजोमेट्रिक हेड, उसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, इतनी बात क्लियर, इसको क्या बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, और बाकी इन तीनों का एडिशन आप जानते हैं डेट इज टोटल हेड। तो मैंने क्या बोला, एक नई स्लाइड मैं ऐड कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस एक टर्म बता रहा हूँ पी बाय रो जी, और जो पोटेंशियल हेड है दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है पीजोमेट्रिक हेड। आगे चलते हैं, देखिए अब एक चीज आप मुझे बताइए, देखिए लेट सपोज यहां से क्या हो रहा है पाइप में फ्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मान लीजिए पाइप में ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप से क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, ये इसकी क्या है सेंटर, अरे इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब, ठीक है, सब इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए अब क्या है, लेट सपोज इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए 1, इसको आप नाम दे दीजिए 2, ठीक है, इतनी बात अपन कर चुके थे, ठीक है। अब ये देखिए ठीक है, अब देखिए जब अपन को प्रेशर निकालना होता था किसी पॉइंट पे, अपन क्या करते थे ऐसा कुछ डाल देते थे, अब आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, पीजोमेट्रिक ट्यूब, भाई याद है नहीं है, तो इस जगह ये लगा दिया, जस्ट ध्यान से समझिए कुछ समझा रहा हूं मैं, है ना, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करते अपन, ठीक है, अब दिख रहा है, अब देखिए अब क्या होगा,
ड्राइंग पे मत जाइए, बस इधर देखिए। देखिए मैंने क्या बोला था, वन से टू फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेट सपोज आप मान लीजिए, तो अभी मैंने आपको बर्नौली इक्वेशन लिखी कि p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अभी इक्वेशन मैंने आपको लिखी थी, इसमें मैंने क्या बोलता p बाय रो जी और जो जेड यानी प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड का जो सम है उसको क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। तो एचजीएल क्या है, अभी मैंने आपको एक नाम बताया, एचजीएल क्या है जस्ट बात समझिए। देखिए लेट सपोज ये है अपनी रेफरेंस लाइन, ये क्या है, रेफरेंस है, ये डेटम कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो अब अपन ने क्या करा, लेट सपोज इसकी कुछ एनर्जी होगी, तो आप ये मान लीजिए पहले ये आपका क्या हो जाएगा जेड टू और ये आपका क्या हो जाएगा जेड वन। सिंपल कुछ भी नहीं अभी तक ये पढ़ा अपन ने, क्योंकि ये अपना रेफरेंस हो गया। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हेड कहाँ हो जाएगा, जेड वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन ही रेफरेंस मांग रहा है, अपना ये डेटम मान रहा है। अगर बात करें इधर कितना होगा पोटेंशियल हेड, इधर कितना होगा, इधर क्या हो जाएगा जेड टू। क्यों, क्योंकि अपना रेफरेंस ये है। अब एक चीज आप बताइए, यहां पर मान लीजिए कुछ इसका हेड ये मान के, ये कुछ मान लीजिए इतना प्रेशर हेड है। सब चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पहली क्लास से जुड़े हैं उनको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। इतना मान लीजिए प्रेशर हेड है इस पर और इधर मान लीजिए इतना है P2 बाय रो जी। भाई ऑब्वियसली कुछ प्रेशर होगा, लेकिन अपन प्रेशर हेड निकालना तो क्या होगा P2 बाय रो जी, ये मान लीजिए, ठीक है। बस इतनी सी बात, ठीक है। अब क्या होगा, और इसकी कुछ वेलोसिटी हेड भी मान लेते हैं अपन, ये इसको वेलोसिटी हेड को मैं डिफरेंट कलर से ये मान लेते हैं वी वन स्क्वायर बाय टू जी और इसकी भी मान लीजिए वी टू स्क्वायर बाय टू जी। देखिए किया मैंने कुछ भी नहीं, आपको लगेगा कैसे निकल रहा है, मेरी बात समझिए। जस्ट ये क्या है, अपने पास एनर्जी है, अपने पास क्या है टोटल हेड है, टोटल एनर्जी है, अपने पास ये रेफरेंस है। पोटेंशियल हेड आप जानते हैं इसका जेड वन हो जाएगा, प्रेशर हेड अपन निकाल चुके हैं। जस्ट एक मैं ऐसा डिनोट, बट एक्चुअल में जरूर नहीं है इधर कोई वो पॉइंट हो, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये पोटेंशियल हेड हो गया, प्रेशर हेड ये अपना वेलोसिटी है, टोटल हेड अपने पास ये हो गया, यहाँ तक फ्लूड होगा तो टोटल हेड ये, इसमें यहाँ तक हेड, ठीक है। बात ध्यान से समझना, बात ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्या, यहाँ से यहाँ तक में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही, ठीक है। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी भाई, यहाँ से और यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। यहाँ से यहाँ में प्रेशर एनर्जी चेंज होगी क्या, होगी। आप जानते हैं अभी तक अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रेशर ड्रॉप होगा, किस वजह से होगा, किस वजह से होगा आपको बताया, फ्रिक्शन की वजह से होगा। दूसरी बात मैं पूछूं, अगर यहाँ से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी का जो लॉस हो रहा है क्या, वेलोसिटी का लॉस हो रहा है क्या, वन से टू वेलोसिटी का लॉस नहीं हो रहा, वेलोसिटी का कोई लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है, प्रेशर का लॉस, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ से, तो आप ध्यान रखिए अगर प्रेशर लॉस हो रहा होगा, अगर प्रेशर लॉस हो रहा होगा, क्योंकि जेड तो कॉन्स्टेंट है, अगर प्रेशर जैसे कि अपन ने क्या लिखा पी बाय रो जी प्लस जेड क्या है, ये क्या है अपना पीजियोमेट्रिक हेड है। मैंने क्या बोला, अगर प्रेशर हेड हो रहा होगा, जेड तो कॉन्स्टेंट है, तो पीजियोमेट्रिक हेड भी कॉन्स्टेंट रहेगा, सॉरी पीजियोमेट्रिक हेड का भी लॉस होगा। अगर प्रेशर का लॉस हो रहा है तो पीजियोमेट्रिक जो हेड है उसका भी लॉस होगा। क्यों, क्योंकि अगर पीजियोमेट्रिक हेड का लॉस होगा, इसका प्रेशर हेड का लॉस होगा, तो पीजियोमेट्रिक हेड भी लॉस होगा। क्यों, क्योंकि जेड में तो कुछ इंक्रीमेंट हो नहीं रहा जिससे कुछ जिससे पूरा इक्वल रह जाए, नेट इफेक्ट जीरो हो जाए, क्योंकि इसका ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो पीजियोमेट्रिक हेड भी क्या हो रहा है कम होगा, लॉस होगा। तो अपन ने माना ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, ये जो दो ऑर्डिनेट है, ये क्या है जो दो ऑर्डिनेट है, कौन सा ऑर्डिनेट, पीजोमेट्रिक हेड के ऑर्डिनेट है। यहाँ से अगर रेफरेंस माने तो पीजोमेट्रिक हेड का ऑर्डिनेट इधर ये हो गया, पीजोमेट्रिक हेड का ऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को जो मिलाएंगे, इन दोनों लाइन को मिला रहे हैं अपन और अपन को एक लाइन मिलेगी, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ठीक है, या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं एचजीएल। और कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल इसको क्या बोलेंगे, एचजीएल। जिसको समझ नहीं आएगा मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट बिल्कुल आपको बस यही चीज समझनी है पूरे अगर चैप्टर में, अगर फ्लो थ्रू पाइप्स में ना, अभी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ए टू जेड सारे बन जाएंगे, बस ये थोड़ा सा ये चीज समझना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली थी मैंने, ये पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड क्या है, टोटल हेड है, और टोटल हेड को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी लाइन। टोटल हेड क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल हेड है, तो इनको लाइन जो मिलाने वाली हो जाएगी, ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, टोटल एनर्जी लाइन। ये क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी लाइन, और ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। जस्ट ये क्या है, इसको पॉइंट को मिला रही है, पीजोमेट्रिक हेड को मिला रही है। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक है, हाँ यहाँ तक हो तो बताइए, थोड़ा आज अपन को ज़्यादा खींचना है, हाँ यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। अच्छा वापस समझा दूँ,
देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक तरह से अपन देखे ना कि इसमें अपन समझ क्या रहे हैं, इसमें समझ रहे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या है, जस्ट पीजोमेट्रिक हेड को मिलाने वाली लाइन क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस, और टोटल एनर्जी लाइन क्या है, टोटल एनर्जी हेड को इधर जो मिलाने वाली लाइन वो क्या है, टोटल एनर्जी लाइन है। मुझे एक चीज बताइए, मैंने अभी आई के लिखा था, मैंने जो स्मॉल आई लिखा था ना, वी जी का जो सी अंडर रूट एम इंटू आई, अभी बता दूंगा मैं, उसमें आई क्या था, स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, एच जी एल का स्लोप था, ठीक है। तो मैंने मान लिया डियर, ध्यान से समझो, ध्यान से, मैंने मान लिया स्लोप होगा थीटा, मैंने मान लिया स्लोप क्या है, थीटा है, स्लोप क्या है, थीटा है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यही मेरे को आई देगा, मुझे क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है, इस जो लाइन है इसका स्लोप निकालना है। तो भाई इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू टेन थीटा, आई इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये किसके बराबर होगा डियर, अब मेरी एक बात ध्यान से समझ लो, ठीक है ना, एक बार यहाँ से समझ लो, फालतू की चैट्स में ध्यान मत दो, बस एक बार इधर समझ लो, मैंने क्या बोला, इधर टोटल हेड ये था, टोटल हेड का मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, पीजोमेट्रिक हेड की, मैंने बोला इस जगह पीजोमेट्रिक हेड इतना था, इस जगह इतना हुआ, आप देख के बता पा रहे हैं, अपने सेंस से भी बता सकते हैं कि इधर जितना पीजोमेट्रिक हेड था, यहाँ पर जो पीजोमेट्रिक हेड है वो क्या है, कम है, यानी यहाँ पर जितना पीजोमेट्रिक हेड है, इस पॉइंट पर अगर बात करें, इस पॉइंट पर इतना ही है, इस पॉइंट पर कम है, तो कहीं ना कहीं पीजोमेट्रिक हेड में लॉस हुआ है, ठीक है। तो मुझे आप बता दीजिए, यहाँ पर इतना था, यहाँ पर इतना ये, तो ये क्या होगा, ये हेड क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, ये वाला हेड क्या होगा, इस हेड को मैं क्या नाम दूँ, इस हेड को मैं क्या नाम दूँ, आप जस्ट समझ पा रहे हैं, ये टोटल हेड क्या है, पीजोमेट्रिक हेड इस पॉइंट पे है, दूसरा पीजोमेट्रिक हेड इस पॉइंट पे ये है, तो यहाँ से यहाँ पर पीजोमेट्रिक हेड में लॉस हो रहा है, बट इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूँ, जस्ट सिंपल, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने जो बोला मैंने लिख दिया, ये क्या हुआ है, यानी इनडायरेक्टली ये हेड लॉस हुआ है, अगर भाई ये हेड लॉस नहीं होता तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती, हॉरिजेंटल रहती, और हॉरिजेंटल रहने का मतलब है यहाँ पर जितना पीजोमेट्रिक हेड है वहाँ पर भी पीजोमेट्रिक हेड उतना ही है, ध्यान से समझ पा रहे हैं, यहाँ पर पीजोमेट्रिक हेड जितना होगा वहीं पर इतना हो जाएगा, अगर लाइन कैसे रहेगी, हॉरिजेंटल है, बिल्कुल हॉरिजेंटल रहेगी, लेकिन जरूर इसमें कुछ स्लोप आ रहा है, यानी जरूर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो ये जो चेंज हुआ है, चेंज भी नहीं हुआ, ड्रॉप हुआ है, तो उस ड्रॉप को मैंने नाम दे दिया एच एल, इसको मैंने बोल दिया हेड लॉस, ठीक है। और ये बीच के लेंथ आप मान लीजिए एल, बीच की लेंथ मान लीजिए L, ठीक है ना, L लेंथ के लिए माना, L लेंथ में कितना लॉस हो रहा है, इतना एच एल अमाउंट का लॉस हो रहा है, इतनी चीज क्लियर। अब आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब बताइए, चले आगे, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए अपन चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पे, जो भी अपन ने करी थी, आ गए अपन वापस इसी पे, ठीक है। अब ये चीज मैं रफ कर देता हूं, अब ध्यान से समझिए इधर, ठीक है। मैंने इधर क्या बोला, आप बोलोगे यार अपन निकाल हेड लॉस रहे हैं, अपन क्या निकाल रहे हैं, हेड लॉस अपन निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा हेड लॉस कहां बचे, इक्वेशन इसमें कहां हेड लॉस आ रहा है, तो अभी दिखेगा ना हेड लॉस, तो मैंने इसको लिख दिया वी इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी, स्मॉल एम की वैल्यू क्यों आ गई आपके पास, डी बाय फोर आ गई, I क्या है, स्लोप ऑफ एच जी एल, तो क्या आ गया है, एच एल अपॉन एल, ये मैंने आपको लिखवा दिया अभी, एच एल अपॉन एल, ये देखो आ गया एच एल, ठीक है, एच एल अपॉन एल ये आ गया, दोनों साइड जब आप स्क्वायर करेंगे तो अपनों क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डी बाय फोर इंटू एच एल अपॉन एल इंटू एच एल अपॉन एल, इतनी चीज क्लियर। अब बात ध्यान से समझिए, देखिए तो यहाँ से जो हेड लॉस अपन को निकल के आया, यहाँ से हेड लॉस निकल के क्या आ गया अपने पास, 4L V स्क्वायर, 4L V स्क्वायर क्या निकल के आ गया भाई, 4L V स्क्वायर अपॉन D C स्क्वायर, ठीक है, हेड लॉस निकल के क्या आ गया, 4L V स्क्वायर अपॉन D C स्क्वायर, इतनी चीज क्लियर आ गई, ये आपके पास हेड लॉस आ गया। अब देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं कि सी अभी देखा ये क्या चीज है कॉन्स्टेंट, अभी अपन ने फ्रिक्शन जो अपन ने हेड लॉस देखी है डार्सी वेजबैक में, उसमें फ्रिक्शन फैक्टर आ रहा था, तो इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन अब अपन निकालते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा, जस्ट कैलकुलेशन है ना, जस्ट कैलकुलेशन। अब देखो इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ तक आ गया,
इसको मैंने इक्वल कर दिया एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। कुछ भी नया नहीं करा, बस इस हेड लॉस को, दोनों को हेड लॉस को क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। इससे अपन को क्या मिलेगा, देखिए डी से डी कैंसिल आउट, ठीक है, एल लेंथ से एल लेंथ कैंसिल आउट, ठीक है, और आप वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, और कुछ हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ से अपने पास आ रहा है फ्रिक्शन फैक्टर। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो यहां से अपने पास क्या आ रहा है, फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 2g इंटू 4 क्या हो जाएगा 8g, 8g अपॉन 4 इंटू 2, भाई 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8g अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8g अपॉन f, तो यहां से c क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8g अपॉन f। ये क्या है, चीजी कॉन्स्टेंट और फ्रिक्शन फैक्टर में रिलेशन। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, बस फ्लो थ्रू पाइप्स में जो समझने को, देखिए अभी जो HGL और TEL है ना, ये तो अभी मैं डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूँ, अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है, HGL और TEL, बस ये तो यहाँ पर समझाने के लिए इतना से इतना है, थोड़ी देर बाद अभी HGL और TEL बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे अपन, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। तो अपने पास क्या आ गया, जो फ्रिक्शन फैक्टर और चीजी कॉन्स्टेंट में अपने पास रिलेशन क्या गया, सी जीगस टू अंडर रूट 8g अपॉन f। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। थैंक यू। अब देखिए इतनी चीज क्लियर, आगे चले, सब थम्स अप कर दो एक बार, सब समझ में आ गया तो। चलो बढ़िया, अब इतना आपने नोट भी कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। देखो अब जाके कहीं जाके अपना मेजर लॉस खत्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेजर लॉस अपने जो प्रीवियस क्लास में डार्सी वेजबैक पढ़ी थी, अब अपन ने पढ़ लिया चीजी फॉर्मूला, जिसमें डार्सी वेजबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डार्सी वेजबैक ही है, ठीक है, डार्सी वेजबैक। अभी HGL TEL आपको समझाऊंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, मेजर लॉस अपन समझ चुके हैं, मेजर लॉस की कहानी हो गई खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए कॉपी में, माइनर लॉस, माइनर लॉस डाल ली हेडिंग माइनर लॉस। देखिए मेजर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है और कैसे कैसे निकालते हैं, दोनों चीज अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब मेरी बात बताइए, कुछ लॉस ऐसे भी है जो लॉस होते हैं लेकिन अपन को पता नहीं है, क्योंकि माइनर लॉस होते हैं वो अलग अलग कारणों से होता है, तो एक एक अपन समझेंगे। तो देखिए, तो इसमें जो पहला अपन पढ़ेंगे माइनर लॉस में, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या है, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पाइप है, ये क्या है, कोई पाइप है, इसका सडन चेंज हो गया क्रॉस सेक्शन में, क्या सडन एक्सपेंशन हो गया, सडन, क्योंकि सडन का मतलब क्या हो रहा है, अचानक हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस जगह तो बिल्कुल सेम चलता जा रहा, जैसे ही इस पॉइंट के पार करा क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया, क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया। जस्ट सिंपल से आप एक चीज़ बताइए, आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, आप गाड़ी भी चल रही है आपकी, आराम से चल रही है, ये पूरी आप रोड मान लीजिए, ये रोड है, ठीक है, आप आराम से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो बस एक सिंपल से पूछ रहा हूँ, आगे जाके अगर रोड एकदम से ऐसा हुआ, ठीक है, एकदम से ऐसा हुआ, तो आपकी बाइक एवरेज ज़्यादा अच्छे देगी या बेकार देगी, ठीक है, अभी तक जो चल रहा था, बट जैसे इधर आएगा, इधर क्या हो जाएगा, इस जगह क्या होगा, बहुत ज़्यादा रशिंग होगी, तो स्पीड आप कम करोगे, ज़्यादा करोगे, उल्टा सीधा काम करोगे, ठीक है, उल्टा सीधा काम करने का मतलब आप बाइक को ऐसे बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, अभी इधर बहुत ज़्यादा बार बार क्लच चेंज करोगे, गियर चेंज करोगे, ठीक है, क्लच तो क्या मतलब, क्लच की सहायता से गियर चेंज करोगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें लॉसेज ज़्यादा होगा। सिमिलरली बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट से इधर कैसे समझते हैं, बात समझो, इधर देखो, लेट सपोज आप पहले हेडिंग डाल लीजिए माइनर लॉस में, जो अपनी पहली हेडिंग है वो है ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ड्यू टू सडन, पहला डाल लीजिए ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। देखिए ठीक है, बोल भी दिया मैंने,
अब बात समझते हैं कैसे होता है, किस वजह से होता है लॉस, और ये लॉस कौन सा है, माइनर लॉस है, ध्यान रखें माइनर लॉस है। अगर इनको नेगलेक्ट भी कर दे तो कोई मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन देखना, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि नेगलेक्ट माइनर लॉस, नेगलेक्ट माइनर लॉस, ठीक है। तो उसमें इसका मतलब क्या, अपन को इन लॉसेज को कंसिडर नहीं करना, ऑल्दो ये लॉस होंगे लेकिन अपन लेकिन अगर आपको दे रखा है ये लॉस निकालो ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, तो ऑब्वियसली बात है जब तो अपन को निकालना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, इधर क्या हो गया, सडन एक्सपेंशन हो गया, इधर क्या हो गया, सडन एक्सपेंशन हो गया। इतनी चीज के लिए सडन एक्सपेंशन का मतलब, सडन का मतलब क्या है, अचानक इसके क्रॉस सेक्शन में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो इस जगह क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था आराम से, इस जगह क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, इस जगह क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। अब डियर मुझे एक चीज बताइए, यहां से जब यहां पर फ्लो हो रहा है, जैसे ही फ्लो हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर इस जगह फ्लो हो रहा है तो जैसे ही इसके क्रॉस सेक्शन में चेंज हुआ है, फ्लो ऐसे चल जाएगा क्या, ये फ्लो ऐसे चल जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, फ्लो ऐसे नहीं जाएगा ना। तो बेसिकली होता क्या है, देखो हाँ, अब देखो तो होगा क्या, जैसे ही ये सडन चेंज होगा क्रॉस सेक्शन में, जो ये फ्लूड जो फ्लो होता है ना, ये इतना जो सडन चेंज हुआ है ना इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जो एड्रप्ट चेंज हुआ है, एड्रप्ट चेंज का मतलब जो सडन चेंज हुआ है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और यहां से फ्लो सेपरेट हो जाता है। फ्लो सेपरेट कैसे होगा, फ्लो ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, अब जाके कहीं ऐसे हो जाएगा, यहां से सेपरेट हो गया, इस जो बाउंड्री है यहां से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, यहां से क्या हो गया, फ्लो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है, ऐसे फ्लो क्या हो गया, यहां से सेपरेट हो गया, ठीक है। अब इस जगह क्या होगा, इस जगह क्या होगा, इधर फॉर्मेशन हो जाएगा टर्बुलेंट एडीज का, इधर एडीज फॉर्मेट हो जाएगी, एडीज, ठीक है ना, टर्बुलेंट एडीज, और जहां जहां फ्लो में इस जगह फ्लो में टर्बुलेंसी आ जाएगी, टर्बुलेंट एडीज बोलते हैं इनको, इनको क्या बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट एडीज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट एडी, इधर फॉर्म टर्बुलेंसी आ जाएगी, और जहाँ जहाँ टर्बुलेंसी आएगी फ्लो में उधर लॉस होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक लेमिनार फ्लो की बात करें बिल्कुल स्मूथली फ्लो करता है, टर्बुलेंसी में इधर उधर जिग जाएगा तो उधर लॉसेज ज़्यादा होते हैं। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए, अपन को बेसिकली निकालना है टर्बु, ये जो एक्सपेंशन हुआ है इसका अमाउंट कितना है। तो देखिए एक चीज़ बताइए, इस जगह क्या हो गया, फ्लो फ्लो कैसे सेपरेट हुआ, आपको समझ में आ गया, इधर टर्बुलेंट एडीज का फॉर्मेशन हुआ, फ्लो सेपरेट कैसे हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने एक सेक्शन लिया, इधर ये सेक्शन मैंने लिया, ठीक है, ये सेक्शन को आप नाम दे दीजिए नंबर वन, और इस सेक्शन को आप नाम दे दीजिए नंबर टू, ठीक है, दो सेक्शन आपके पास आ गई। तो हेड लॉस एक्सपेंशन के कारण कितना होता है, मैं सीधा उसका अमाउंट बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। अगर आपको देखो, पहली बात तो इसमें आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं, अगर आप चाहते हो डेरिवेशन, आप आज तक एग्जाम में आया बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आईएएस मेंस मेंस कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। देखिए पहले मैं इसका सीधा आपको बताता हूँ, हेड लॉस एक्सपेंशन, हेड लॉस एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, ये आपके पास आ गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए, हेडलेस ड्यू टू एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन टू जी। बात करते हैं इसमें टर्म आ रहा है वी वन, इसमें टर्म आ रहा है वी टू, क्या है, तो दोनों लिख देता हूँ, वी वन क्या है, वी वन क्या है, वेलोसिटी इन स्मॉलर पाइप, जो छोटा वाला पाइप है ना, स्मॉलर पाइप, अगर बात करें v2 की क्या है, v2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन लार्जर पाइप, ठीक है ना, वेलोसिटी इन लार्जर पाइप, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। बात करें डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन इसका कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सेक्शन लिया वन, ये सेक्शन लिया टू, तो इन दोनों सेक्शन में अपन क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पी वन बाय रोजी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू बाय रोजी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू प्लस हेड लॉस, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ जाएगा कुछ ना कुछ हेड लॉस होगा, अब वो हेड लॉस आपको निकालना है, तो फिर एक बार कंटिन्यूटी इक्वेशन करके वो करोगे तो इसका आपको निकल जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। हाँ अब बताइए, चलो एक बार देख लो वापस
जस्ट कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से फ्लो सेपरेट हुआ है। मैंने बताया यहाँ से बिल्कुल ऐसे आ सकता है कि फ्लो नहीं होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा, उस जगह क्या हो जाएगी एडिस फोर हो जाएगी, टर्बुलेंट एडिस, ठीक है, और इन्हीं के कारण लॉस हो रहा है। तो वन से टू में अपन जा रहे हैं, बीच में क्या आ रहा है सडन एक्सपेंशन आ रहा है, इसके कारण कितना लॉस हुआ, इसके कारण लॉस निकल गया। ये अपन जब बंडूल इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना हमेशा इसके और इसके बीच में करेंगे, क्यों, अगर आप इधर इधर करेंगे तो आपको अमाउंट कैसे अपन को पता कैसे पड़ेगा, वन से टू के बीच में अप्लाई करोगे तो इसका ही तो, अगर मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो तो बिल्कुल कॉमन सेंस आप जानते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ पर कुछ लॉस हो ही नहीं रहा, लॉस होगा लेकिन अपन जो अपन को किसकी वजह से देखना है, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, तो सडन एक्सपेंशन को तो बीच में लेना पड़ेगा ना, तो इन दोनों के बीच में जब बंडूल इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आप आ जाएगा, नहीं आपको जरूरत नहीं बिल्कुल, जैसे अगर कोई किसी को मन में चाहो कि नहीं आया कैसे तो आप देख लेना बुक में मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हेड लॉस एक्सपेंशन आ गया, आगे चले, ये पहला माइनर लॉस आपका खत्म। नेक्स्ट चलते हैं हेड लॉस। अब आप मन में सोचोगे ड्यू टू सडन एक्सपेंशन हुआ तो क्या सडन कॉन्ट्रैक्शन में भी होगा क्या लॉस, बिल्कुल होगा, और कैसा होगा देखिए, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर अपॉन टू जी। आगे चलते हैं, देखिए अब माइनर लॉस अपन दूसरे टाइप का पढ़ते हैं, वो क्या है, बी डाल लीजिए इसको, यह हेड लॉस हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। इतनी चीज क्लियर, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है समझिए। लेट सपोज वही मैं एक पाइप बना रहा हूं, ये मैंने पाइप बनाया, ये क्या है पाइप है, और यहां पर सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या है ये पाइप में यहाँ से यहाँ पर क्या रहा है सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका अपन को निकालना है। देखिए देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने पर क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या हो रही है कमी हो रही है, और वो भी कैसे हो रही है सडन कमी हो रही है, ठीक है। तो एक बार मेरी बात बताइए, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा जो फ्लो का एरिया होगा ना, देखो डिफरेंस समझो आप दोनों में, ठीक है, हाँ चले आगे, दोनों में डिफरेंस आप समझिए। देखिए ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या फ्लो एरिया भी वही होगा, क्या फ्लो एरिया क्या है जिस एरिया में से फ्लो रहा है, यहां तक तो ये रहेगा, बट जैसे सडन चेंज हुआ यहां से फ्लो सेपरेट हो जाएगा तो अब क्रॉस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से नहीं हो रहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो इधर क्या होगा जो फ्लो का एरिया होगा ना वो कंटिन्यूसली यहां से यहां पर क्या रहेगा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक जगह जाके देखो कैसे समस्या, इधर जो चीज मैंने बोली देखो, यहां से यहां का जो फ्लो हो रहा होगा फ्लो का एरिया क्या है यहां से यहां पर कम रहता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक जगह मिनिमम हो जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगा ये आपका फ्लो आ गया, ठीक है, और यहां से ऐसे कम होता जाएगा और एक जगह जाके मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। और इस सेक्शन को मैंने नाम दिया, इस सेक्शन को अब देखिए आप बिल्कुल ड्राइंग पे मत जाइए, ठीक है, थोड़ा बहुत क्योंकि डिजिटल बोर्ड है इस पर बोर्ड ये भी स्लिप मारता है, तो आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बने हर चीज़, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ, मैं ये चीज़ क्लियर। अब देखिए लेट सपोज इधर क्या हो रहा है, मैंने क्या बोल रहा है जो फ्लो का एरिया ना कम होता जा रहा और एक सेक्शन पे आके मिनिमम हो जाता है, और इस जगह भी क्या रहा है, इस जगह भी टर्बुलेंट एडीज का फॉर्मेशन होता है, इस जगह भी एडीज का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ देखो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, इस जगह बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। लेट सपोज इस सेक्शन को मैंने नाम दे दिया सेक्शन वन, इस सेक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया सेक्शन वन, इस सेक्शन को मैंने नाम दे दिया सेक्शन टू, और इसको मैंने नाम दे दिया सेक्शन सी। सी बोल देते हैं क्यों, क्योंकि वेना कॉन्ट्रैक्टर वाला है ना, ये वेना कॉन्ट्रैक्टर, वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है अपन ने समझ रखा है ओरिफिस मीटर में, देखो वही बात है, देखो मैं बहुत बार बोला है जो पहली क्लास से रेगुलर है ना उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे हुआ क्या, फ्लूड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको 20 दिन बाद हम सोच रहे हैं वापस बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करें,
एज अ क्रैश कोर्स ले लीजिए आप बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ में एक दो फैकल्टी और ज्वाइन होगी, फिर हम मतलब पूरा ऐसे फरवरी तक आपका मतलब जो जूनियर इंजीनियरिंग और गेट का है उससे पहले हम आपको पूरा करवा देंगे। तो आप देखना उसमें और उसमें डिफरेंस देखना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको आपको मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ाया होगा, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा, गेट वेट सबके क्वेश्चन बन गया होगा, लेकिन जो रियल में अगर आप उसको देखोगे ना, जो मतलब अभी भी पढ़ाना बाकी है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन थोड़ा सा और बाकी है, ऐसा सारा हो जाएगा आपका क्वेश्चन क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप ज़्यादा करो नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आप अपने आप खुद के कॉन्सेप्ट बनेंगे कि अच्छा मैं ये गलती करता, अच्छे समय ये होती है, तो आप क्या हो गया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आप वो अपने नोट में ऐड कर लेंगे कि हाँ भाई इसमें ये कॉन्सेप्ट बन गया तो ये कॉन्सेप्ट में लिख लेता हूँ। वही चीज़ अगर वही कॉन्सेप्ट में आपको पक्के पकाए दे दूँ, पक्के मैंने आपको बेसिक बेसिक तो सब बना दिया, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बढ़ते बताए दे दूँ तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा ना। तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैं थोड़े बहुत छोड़ रखे हैं, मतलब छोड़े ऐसे नहीं है, वो भी देखना धीरे धीरे मैं सब कवर करा दूंगा मैं। लेकिन अब आप बोलोगे क्योंकि यार टाइम इतना लिमिटेड होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन आप देखना जिन बच्चों को डाउट आता है ना, मतलब अच्छे डाउट होता है, तो मैं खुद चला के उनका रिप्लाई करता हूँ पर्सनली, आप देख लेना पिछले वीडियो में भी, चाहे स्टार्टिंग से देख लेना सॉम से लेकर वो तक, ठीक है। तो अभी भी जो एक तो टॉपिक स्किप कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो लास्ट में करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लिया करो कि ये जैसे मान लो मैंने बैरोमीटर भी समझा दिया, वेपर प्रेशर, वो लास्ट में आपको छोड़ूंगा नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करे बिना, ठीक है, ढंग से करेंगे। और थोड़ा 20 तारीख के आसपास क्लास भी अपन रेगुलर कर लेंगे। अब देखो इधर देखो ये पॉइंट सेक्शन अपन ने 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, इस जगह इस सेक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ, ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में एक नाम दे रहा हूँ, ये होता है A2 upon AC। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, A2 upon AC। इतनी चीज क्लियर। अब देखिए ध्यान से, देखिए होगा क्या, ध्यान से समझना, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है फ्लो का, मतलब सॉरी फ्लो एरिया ही है, फ्लो एरिया यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, तो ध्यान समझना इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सडन एक्सपेंशन। ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस जगह फ्लो का एरिया वो सडनली क्या है चेंज हो रहा है, इस जगह जो फ्लो का एरिया है वो क्या है सडनली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, और सडनली चेंज कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बात करें अगर फ्लो, अगर बात करें हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, तो हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो बेसिकली क्या है, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ये क्या है, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन है, ध्यान रखना, ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। अब आप बोलोगे एक्सपेंशन कहाँ हुआ, भाई ये फ्लो का एरिया ही यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, कैसे कर रहा है इंक्रीज, सडनली कर रहा है। तो हेड लॉस अभी अपन इक्वेशन क्या पढ़ी थी, अभी हेड लॉस, हेड लॉस की भाई अभी अपन ने इक्वेशन क्या पढ़ी थी एक्सपेंशन की, V1 याद नहीं है क्या, V1 minus V2 का whole square upon 2 G। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ इसको वेलोसिटी, जैसे V1 क्या थी वेलोसिटी इन स्मॉलर पाइप, V2 क्या थी वेलोसिटी इन लार्जर पाइप, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, VC minus V2 का whole square upon 2 G। इतनी चीज क्लियर, VC minus V2 का whole square upon 2 G। अब आप मेरी बात ध्यान से समझे, इतना चीज क्लियर, भाई ये सडन एक्सपेंशन आपको दिख तो गया होगा ना कि भाई ये फ्लो है, फ्लो का एरिया क्या है इंक्रीज हो रहा है, और कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये भी बिल्कुल सडन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कैसे अभी सडन एक्सपेंशन में अपन ने क्या देखा था, V1 minus V2 square upon 2 G। अब इसको तो भूल जाओ, ये तो जस्ट मैंने आपको याद कराने के लिए, अभी याद दिलाने के लिए आपको लिखा, तो उसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आ गया VC minus V2 whole square upon 2 G। तो देखिए अब आगे चलते हैं, इसको चलिए मैं ये रफ कर लेता हूँ, ये हेडिंग में क्या है, हेडिंग में कुछ है भी नहीं वैसे ऐसा ना, देखिए तो एक चीज बताइए, अगर C और 2 सेक्शन के बीच में मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, AC VC is equals to A2 V2, ये होती है नहीं होती। तो इसमें मैंने क्या किया, जब आप बाहर लोगे इसमें आपने V2 को कॉमन लोगे स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा V2 square, इस जगह क्या हो जाएगा VC upon V2 minus 1 upon 2 G। इतनी चीज आई थिंक क्लियर, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद का स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ। तो देखो VC upon V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 upon AC लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो VC upon V2 को मैंने लिख दिया, अब इसके बाद में स्टेप ये चीज़ मैं रफ कर देता हूँ, इतनी चीज़ हो चुकी है। अब देखो VC upon V2 को क्या लिख सकता हूँ मैं,
V2 स्क्वायर अपॉन 2G इंटू VC अपॉन V2 क्या हो जाएगा, A2 अपॉन AC, A2 अपॉन AC, VC अपॉन V2 क्या हो जाएगा, A2 अपॉन AC माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अच्छा V2 अपन ने कॉमन लिया V2 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा VC अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन 2G सही है, VC अपॉन V2 क्या हो जाएगा A2 अपॉन AC ये भी सही है V2 स्क्वायर। अच्छा डियर इसमें थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, ये CC है ना, ये AC अपॉन A2 है, ये क्या है AC अपॉन A2, जब भी मैं सोचा कुछ AC अपॉन A2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G इंटू 1 अपॉन CC माइनस 1, CC क्या है कोफिशेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन। अब आप बोलोगे इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन याद रखेगा, जस्ट मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं आता एग्जाम में। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बात करूँ, मैकेनिकल में बात करूँ, अगर मैं गेट में फ्लूइड मैकेनिज्म में ये आज तक एक भी चीज़ नहीं आई। ठीक है, लेकिन अपन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे SSC जूनियर में कभी पूछ लेता है, IES में तो आता है, IES में तो आता है। ठीक है, बट अब देखिए अगर बात करते हैं कोफिशेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन में दिया होगा क्या भाई, वी तो अपन को पता पड़ जाएगा। ठीक है, V2 तो अपन को पता पड़ जाएगा, लेकिन अगर ये आपको दे रखा होगा क्या, अगर आपको नहीं दे रखा तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, ये सब आपने नोट कर ली, नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ फिर वापस आ जाऊँगा स्लाइड पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ CC इज नॉट गिवन, अगर CC आपको नहीं दे तो हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन आप डायरेक्ट लिखिए 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G, जस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कब, इफ CC इज नॉट गिवन तो हेड लॉस ये क्या है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कितना है 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, तो ये आपका सडन लॉस है टेंशन की वजह से भी आ गया, और सडन लॉस जो कॉन्ट्रैक्शन है सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी आ गया। अब बताओ कोई डाउट हो तो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन अपन दो टर्म और है उसके बाद अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अच्छा प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं, देख लो प्रीवियस स्लाइड, ये देख लो, नोट कर लो आराम से। ठीक है, और इतना कुछ नहीं, अगर नोट करने वाला होता मैं खुद ही आपको टाइम देता हूँ, जस्ट कैलकुलेशन आप बाद में भी देख लेना, वीडियो में कंटेंट रहेगा आपके। बताओ कोई डाउट हो तो, हाँ भाई है गेट में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस टाइप का आता नहीं ऐसे, ये वो समझ गए, आपने नोट वोट भी लिख लिया करो कि इफ CC इज नॉट गिवन तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो बेसिकली मैं आपको बताऊँ पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इफ CC इज नॉट गिवन ये बेसिकली अगर CC क्वेश्चन में CC यानी कोफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिया तो कुछ ऐसे मान लेते हैं 0.6 का स्टैंडर्ड वो है तो उससे आता है ये, लेकिन आप डायरेक्ट ये याद रखो, बहुत फायदे में रखोगे, बस ये याद रखना है 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। आगे चले, आगे चलते हैं, देखो अब बात करते हैं ड्यू टू एग्जिट बात करते हैं। ठीक है, सडन सबकी बात हो गई, एग्जिट ऑफ पाइप के एग्जिट पे भी कुछ लॉस होगा क्या, बिल्कुल होगा, किस वजह से होगा, देखो ये पाइप है मान लीजिए, ये आपका क्या है, ये पाइप है, ये क्या है पाइप है, तो डियर एक चीज मुझे बताइए पाइप के एग्जिट पे देख रहे हैं अपन कितना लॉस होगा। देखो जितने भी मैं लॉस बता रहा हूँ ना, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो इसमें, क्योंकि इसमें आपको लग रहा है कि आ रहा है लेकिन इनको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये एग्जिट है, ठीक है ये एग्जिट है, इस जगह क्या है एटमोसफेयर है, इस जगह क्या है एटमोसफेयर है, ठीक है यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप इसको भी क्या ड्यू टू सडन एक्सपेंशन बोल सकते हो क्या, भाई ये पाइप है इसका एरिया यहाँ पर इतना है, अब यहाँ से इतना यहाँ पर जा रहा है, फ्लो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं सडन एक्सपेंशन, भाई यहाँ तो अभी तो लिमिटेड था, यहाँ पर तो बिल्कुल जाके बिल्कुल खुला हो गया, कहीं भी जा सकता है, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, तो अगर A2 की बात करूँ मैं, A2 इस केस में क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, भाई बहुत बड़ा है, इसको कहाँ मेजर करोगे, एटमोसफेयर में जा रहा है, A2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो V2 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास
हेड लॉस एक्स वन का क्या था, वी वन माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी आपने पढ़ा था, तो उसको आप क्या ले सकते हैं, वी वन स्क्वायर बाय टू जी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कौन सी, ड्यू टू सडन सॉरी डू एट एग्जिट ऑफ पाइप, पाइप के एग्जिट पर कितना लॉस होता है, वी वन स्क्वायर बाय टू जी, किस वजह से आया मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई इसको अपन कैसे मान सकते हैं, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन की तरह, तो सडन एक्सपेंशन का अपना क्या था, वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर अपॉन टू जी, वी वन क्या था वेलोसिटी इन स्मॉलर पाइप, वी टू क्या था वेलोसिटी इन बिगर पाइप मतलब लार्जर पाइप, यहाँ पर वी टू की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गई, जैसे पुट करोगे ये चीज़ आ गई, बताइए कोई दिक्कत हो तो, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। एग्जिट ऑफ पाइप पे भी अपन बात कर चुके हैं, तो देखिए अब आगे चलते हैं अपन, एग्जिट ऑफ पाइप पे बात हो गई, बात करते हैं एट दी एंट्री, एंट्री पे भी लॉस होगा क्या, और आप जानते हैं कौन सा लॉस होगा, अब तो आप जवाब देना भी स्टार्ट कर दीजिए, एंट्री पे लॉस कैसा होगा, मैं चलो पहले डायग्राम बनाता हूँ आपके रिप्लाई आ जाने चाहिए, ये मान लीजिए पाइप है, यहाँ से एंट्री हो रही है, यहाँ से एग्जिट होगा, तो यहाँ से एंट्री में इस केस को अपन कैसा मान सकते हैं, एंट्री को, एंट्री को अपन कैसा मान सकते हैं बताइए, तो इसको मैं बोलता हूँ एट दी एंट्री, एट दी एंट्री, तो देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, एट दी एंट्री पे अपन लॉस किससे मान सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैसे मान सकते हैं, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन मान सकते हैं, भाई जैसे अभी यहाँ पर इसको अपन सडन एक्सपेंशन मान रहे थे, इसको अपन क्या सडन कॉन्ट्रैक्शन नहीं मान सकते, कॉन्ट्रैक्शन मान सकते हैं नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, तो देखिए अब क्या होगा इसमें, देखिए अभी मैंने क्या बताया था, कॉफी जो सडन कॉन्ट्रैक्शन था उसमें अपना जो निकला था मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं दे तो आप डायरेक्ट लिख देना 0.5 वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी, बोला था नहीं बोला था, तो एंट्री पे भी कितना हो जाएगा 0.5 वी टू स्क्वायर बाय टू जी, क्यों, क्योंकि ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन की जैसे लग रहा है ये, तो इसका हेड लॉस क्या हो जाएगा ये, ठीक है, सारे टाइप के लॉस अपन पढ़ चुके हैं, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एट दी एंट्री एंड एट दी एग्जिट, ये चार लॉस अपन बात कर चुके हैं माइनर लॉस की बात, और एक और लॉस है डेट इज द बैंड लॉस, ठीक है, ड्यू टू बैंड, अगर पाइप में एक तो पाइप स्ट्रेट होता है, अगर पाइप में अगर बैंड हो तो उसमें लॉस होगा या नहीं होगा, उसमें लॉस होगा और लॉस का अमाउंट कितना होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, पाइप लॉस की अपन को बात करनी है, चार केस मैं आपको बता चुका हूँ, पांचवा हेडिंग डाल लीजिए ड्यू टू बेंडिंग ऑफ पाइप, तो देखिए इस लॉस को जो अपन नाम देते हैं वो होता है बैंड लॉस, ठीक है, वो लॉस क्या होता है बैंड लॉस, तो ये 5 हो जाएगा, ई नंबर का हो जाएगा, चार केस में आपको बता चुका हूं, तो हेडिंग डाल लीजिए बैंड लॉस, बैंड लॉस। अब देखिए एक चीज बताइए, देखिए बैंड लॉस में लॉस हो किसकी वजह से रहा है, एक तो जस्ट अपना सिंपल पाइप था, हॉरिजॉन्टल पाइप था, लेकिन अगर पाइप में बैंड होगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा, और उसी लॉस को, लेकिन वो लॉस इतना सडन एक्सपेंशन नहीं, मतलब इतना जो अपना मेजर लॉसेज है उतना अमाउंट का नहीं होता, ये किसके कैटेगरी में आता है, माइनर लॉस की कैटेगरी में आता है, जो बैंड लॉस होता है वो किसकी कैटेगरी में आता है, माइनर लॉस की कैटेगरी में, तो ये होता क्या है, हेड लॉस क्या होता है, के वी स्क्वायर अपॉन टू जी, जेट सिंपल, ठीक है भाई, एक चीज मुझे बताइए बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ये पाइप है आपका बेंड हो रखा है, ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, पाइप की वेलोसिटी हो जाएगी, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन आप एक चीज अभी जितने भी अपने हेड लॉस निकाला ध्यान रखना उसके यूनिट मीटर है, ऐसे नहीं है कि एनर्जी है क्या है, ये तो बिल्कुल जस्ट बेसिक है, तो k क्या है, k क्या होता है, बैंड कोफिशियंट बोलते हैं इसको, ठीक है, बैंड कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, बैंड कोफिशियंट कुछ भी ये आपको दिया होगा, तो जस्ट एक सिंपल सी बात कि अगर k ज़्यादा होगा तो बैंड में जो लॉस होगा वो ज़्यादा होगा कम होगा, ऑब्वियसली लॉस भी ज़्यादा होगा, अगर k ज़्यादा हुआ तो लॉस भी क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर k कम हुआ तो लॉस क्या होगा, लॉस भी क्या होगा कम होगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं k की बात तो समझ में आ गई, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आप बोलोगे क्या बता रहे हो k बढ़ेगा लॉस बढ़ेगा तो हमको भी दिख रहा है, तो बात करते हैं k की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इन पे डिपेंड कैसे करती है, एंगल ऑफ बेंडिंग पे कैसे डिपेंड करती है, जस्ट सिंपल से अपन बात करना स्टार्ट करते हैं, तो देखो अगर एंगल ऑफ बैंड, ठीक है ना, मतलब बैंडिंग ज़्यादा जो पाइप है वो ज़्यादा एंगल से बैंड है, तो अगर थीटा, ठीक है, थीटा कैसे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ बैंडिंग, ठीक है, एंगल जिस एंगल से पाइप बैंड है, अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आप खुद अपने कॉमन सेंस से बताइए तब लॉस ज़्यादा होगा या कम होगा, भाई एक तो आप पाइप बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे रख लो, थोड़ा सा कम बैंड क्या है, ठीक है, और एक पाइप आप ऐसे कर दो बिल्कुल ऐसे,
ठीक है, तो लॉस किस में ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में, आप बताइए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, एक तो बैंड थोड़ा कम है और एक बैंड ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको केस नंबर वन दे दिया। केस नंबर टू, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ किस में लॉस ज़्यादा होगा, इसमें वन में लॉस ज़्यादा होगा या टू में लॉस ज़्यादा होगा, बताइए। मतलब इसमें भी वन टू वन टू, चलो बढ़िया, जस्ट कॉमन सेंस, आपने बोला टू में ज़्यादा होगा, मैंने मान लिया टू में ज़्यादा होगा, तो एंगल ऑफ बेंडिंग केस में ज्यादा है, ऑब्वियसली टू में ज्यादा है, तो अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और लॉस क्या होगा, ज्यादा। अब और थोड़ा सा और मजा आने वाला है, ठीक है ना, अब देखो कैसे, देखो थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी, के ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा। अब मुझे बस एक छोटी सी चीज बात करनी है, आपने एक टर्म सुना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सब जानते हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हुआ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हुआ तो लॉस ज़्यादा होगा या कम होगा, भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हुआ तो लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, दो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन वन ऑप्शन टू, ऑप्शन वन लो हिंदी में लिख देता हूँ आज, मन आ रहा मेरा ज़्यादा, ऑप्शन टू कम, ठीक है, ज़्यादा कम। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हुआ तो लॉस ज़्यादा होगा या कम होगा, बताइए। अच्छा लॉस ज़्यादा होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, कम होगा, ज़्यादा होगा, देखिए देखो कई बच्चे सोचते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हुआ तो रेडियस पता नहीं क्या है, पता नहीं बस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, लेकिन मन में ऐसा सुनने में अच्छा लग रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज़्यादा है तो लॉस ज़्यादा होगा, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो इधर भाई सुनने वुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट देखो, देखो देखो अगर कोई लॉस, सॉरी कोई बेंडिंग, अगर पाइप की बेंडिंग कुछ ऐसे है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मान लीजिए कोई एक सेंटर से कुछ कुछ ऐसा आ रहा है, इसका कर्वेचर, इसका कर्वेचर लेट सपोज ये आर है, ठीक है, आर वन, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी अगर बेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, या मान लीजिए कुछ बिल्कुल ऐसे निचोड़ दिया इसको, ठीक है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा ना, कुछ कर्व कैसा फॉलो करेगा, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे कुछ ऐसा सर्किल, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गया, ये आर टू आ गया, तो ऑब्वियसली क्या है, आर वन क्या है, आर टू से, R1 क्या है, R2 से ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है, लेकिन इसमें बेंडिंग ज़्यादा है, किसमें, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, यानी जिसकी बेंडिंग ज़्यादा है, जिसमें बेंडिंग ज़्यादा है उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हुआ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हुआ तो K की वैल्यू ज़्यादा होगी, और K की वैल्यू ज़्यादा हुई तो लॉस ज़्यादा होगा, बताइए कोई दिक्कत हो तो, इसमें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बताइए, जस्ट सिंपल है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बताइए, अरे इसमें देखो ना, इसमें अब बेंडिंग क्या है, इसमें बेंडिंग थोड़ी कम है तो उसका रेडियस कर्वेचर ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि इसका कर्व ज्यादा बेंड नहीं हो रहा है, इसका कर्व बिल्कुल एक थोड़ा तो ज्यादा जाएगा, तो उसका अगर अपन सर्किल देखेंगे तो उसका जो रेडियस आएगी कितनी ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, इसमें बेंड अपन ज्यादा करें तो जो इसका कर्व आएगा ऑलमोस्ट सर्किल जैसा होगा, मतलब बहुत कम वाला होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा 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 होगा, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आई, इसका मतलब लॉस इसमें ज्यादा है, मतलब इसका के ज्यादा होगा, लॉस इसमें ज्यादा होगा, इतनी चीज क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए आपके लॉस हो चुके खत्म, मतलब आपके लॉस मतलब आपके जो थे, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इनसे कुछ नहीं होंगे जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखोगे, जब तक कोई मतलब नहीं है, जस्ट सिंपल। तो एक सबसे अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में करेंगे गेट आई एस एस जूनियर जब करेंगे, कुछ पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको लगाता हूँ,
देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो एक बार आप आराम से नोट कर लीजिए, मैं बोल बोल के बताता हूँ, ठीक है। जस्ट ऐसे देखते टाइप करने लग जाएगा, दिख नहीं रहा, आराम से पहले देखना। मैं बता रहा हूँ क्या है, एट अ सडन इनलार्जमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने ये अभी तक क्लास पूरी ली है, मतलब अभी आज की क्लास ली है, तो उनको बिल्कुल मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर जाएगा, वो खुद ही बना देंगे। और क्वेश्चन का जो ट्राई करना भी आप स्टार्ट कर देना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के, एट अ सडन एनलार्जमेंट ऑफ अ वाटर मेन फ्रॉम 240 mm टू 480 mm, ये क्या बोल रहा है, जस्ट एक पाइप है जो 240 mm डायमीटर का था, अब डायमीटर क्या हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 280, अब क्या हो गया 480 mm हो गया डायमीटर। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइजेस बाय, हाइड्रोलिक जो ग्रेडियंट है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइजेस बाय 10 mm, एस्टिमेट द रेट ऑफ फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो अपन को निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक, मैं एक बार बना देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो और आप थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करो। देखो ये पाइप है, ठीक है, इसको डायग्राम से बनाता हूँ। देखो लेट सपोज ये पाइप है, ये क्या है, पाइप है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर इसने बोला है कि भाई इस जगह डायमीटर, अगर इस जगह डायमीटर 240 mm है, इस जगह डायमीटर कितना है 240 mm है, आंसर भी चलो बहुत बढ़िया ट्राई करो, आंसर भी आने लग गया। देखो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं अभी तक तो नहीं आया किसी का, ठीक है, करते रहो मैं बता दूंगा, 240 mm और ये क्या है 480 mm है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसको डायग्राम को थोड़ा कर लेते अपन छोटा, देखो ये फायदा है डिजिटल बोर्ड का, जो बच्चे बोलते हैं ना। देखो ये डायग्राम अब आपको समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, इस जगह क्या हो रहा है, सडन एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये पॉइंट आप नाम दे दो पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बीच में कुछ आ रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपन ने पढ़ा है क्या भाई, मैंने आपको बताया था पी बाय रो जी प्लस जेड, ये क्या है, इन पीजोमेट्रिक हेड को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कौन थी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन थी। तो मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, यहां से ये यहाँ तक जाने में बोल रहा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइज बाय 10 mm, 10 mm से राइज कर जाती है, तो 10 mm से राइज करी होगी, इसका मतलब या तो ये टर्म राइज कर रहा होगा या फिर ये टर्म राइज कर रहा होगा, या दोनों ही राइज कर रहे होंगे, जब भी तो राइज पॉसिबल है, वरना पॉसिबल कैसे है। तो मुझे एक चीज बताइए, जब आप यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 10 mm से राइज कर रहा है, ठीक है, अब राइज कैसे कैसे कर सकता है, अपन ने पॉसिबिलिटी ले ली कि भाई ऐसे ऐसे राइज कर सकता है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल हेड में कुछ राइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, दोनों क्या है सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसमें तो राइज हो नहीं रहा, जेड में, जेड में राइज हो नहीं रहा। बात आती है, ठीक है, ये मान लिया मैंने कि प्रेशर हेड में राइज हो रहा है, ठीक है ना, मैंने दिल को सांत्वना दे दी कि चलो भाई मान लिया प्रेशर है, लेकिन प्रेशर में हो क्यों रहा है, जस्ट जो पहली क्लास से उनको 1% दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे यहाँ से यहाँ पर में क्रॉस सेक्शन एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, बढ़ रहा है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी कम हो रही होगी, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो जरूर प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, क्यों, अगर देखिए टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट रहनी है, अगर वेलोसिटी कम होगी तो एनर्जी तो कॉन्स्टेंट रहेगी, तो किसी दूसरी चीज़ में इंक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो नहीं रहा, तो इंक्रीज होगा किस में, ऑब्वियसली प्रेशर एनर्जी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए या नहीं पाए बताओ अब, ठीक है, मैंने जस्ट आपको बताया है, क्वेश्चन सेटिस्फाइड भी कर रहा है नहीं कर रहा, 10 mm से राइज, अगर मान लो ये होता
ड्रॉप बाय 10 mm और सेम डायग्राम होता तो अपन तो कर देते हैं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मान लो एक ऑप्शन में ये भी होता ना कि डाटा इज अनसफिशिएंट, अपन सोचते हैं कैसे होगा इनसफिशिएंट, समझ तो पा रहे ना कि ये राइज करी कैसे, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो गई होगी, वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक हेड भी कम हो रहा होगा, और टोटल हेड तो कांस्टेंट रहेगा, और काइनेटिक हेड अगर कम हो रहा है तो इंक्रीमेंट हो सकता है तो पोटेंशियल हेड में, या फिर किस में हो सकता है प्रेशर हेड में, पोटेंशियल हेड भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों क्या सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अगर पोटेंशियल हेड कांस्टेंट है तो इंक्रीमेंट होगा किस में, इंक्रीमेंट होगा प्रेशर हेड में, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ से देखो, अगर बात करें यहाँ से यहाँ तो ऑब्वियसली प्रेशर ड्रॉप होगा ही होगा, ठीक है, होगा कोई, यहाँ पर ये राइज कर गया, यहाँ पर ये राइज कर गया और ये चल गया आगे, ऐसे कुछ मान लीजिए, ये आपकी बन जाएगी लाइन, ठीक है, कुछ समझ पा रहे हैं। इसको अभी मैं देखना डिटेल में बताऊंगा, सडन एक्सपेंशन सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए HGL TL बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस इधर बता दीजिए कि यहाँ पर जो हेड है भाई ड्रॉप हो गई, ऑब्वियसली क्यों, कौन सी बात कर रहे हैं अपन, पीजोमेट्रिक हेड की, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करिए, लॉस को हो रहा है क्योंकि चलो माना जेड कांस्टेंट है लेकिन भाई प्रेशर तो ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ से यहाँ पर अपन मैंने मान लिया, ठीक है ना, यहाँ पर राइज किसकी वजह से हुआ, देखिए एनर्जी में टोटल एनर्जी में राइज नहीं हो रहा है, ये पीजोमेट्रिक हेड वाली में हो रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में, तो इसमें राइज कैसे पॉसिबल हुआ ये अपन बात कर चुके हैं। तो ये जो राइज हुआ ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये राइज हुआ है 10 mm से, ये राइज कितना हुआ है 10 mm से राइज हो गया, ये राइज कितना हो गया 10 mm से राइज हो गया, और ऑब्वियसली आगे जाने पर तो क्या होगा, आगे जाने पर क्या होगा, प्रेशर और कम हो गई ड्यू टू फ्रिक्शन, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, जस्ट इधर राइज हो गया, ये चीज क्लियर। तो जस्ट अब आपको क्या करना है, बर्नुल इक्वेशन लगा दो 1 और 2 के बीच में, तो बर्नुल इक्वेशन जब अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1। आंसर देखता हूँ मैं, बहुतों के आंसर आ रहे हैं 0.0, नहीं कर, बहुत बढ़िया, एक का आगे क्या नाम है ऊपर गए चैट्स, 0.03 ऐसा कुछ था है ना, अभी आपको देखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं, जस्ट बंडुली लगा रहे हैं P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1। देखो बंडुली लगाते कैसे हैं, ध्यान रख लो, वैसे आपको पता है लेकिन एक्सपेंशन में बता रहा हूँ मैं, जब लॉस हो रहा P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस मैंने मान लिया हेड लॉस, जो भी हेड लॉस होगा वो अपन निकाल लेंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ पर मैं लॉस किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, भाई एक ही तो लॉस हो रहा है ना, आपको कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ से यहाँ पर, तो इसमें अपन सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और सडन एक्सपेंशन, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या कर रही है, राइज कर रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अगर राइज कर रही है तो इस जगह ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, P2 बाय रो जी माइनस P1 बाय रो जी इज इक्वल टू 10 mm, क्या मैं बोल सकता हूँ भाई 10 mm, अरे बोल सकता हूँ, नहीं रख सकता, P2 बाय रो जी माइनस P1 बाय रो जी इज इक्वल टू 10 mm, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ठीक है, हाँ इसका जवाब दीजिए, ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ गया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, भाई यहाँ से यहाँ पर राइज किया तो ऑब्वियसली इस जगह ज़्यादा है तो इस जगह प्रेशर हेड में राइज हुआ है, P2 बाय रो जी माइनस P1 बाय रो जी जिकसू 10 mm, इतनी चीज़ क्लियर। तो डी जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए Z1 और Z2 क्या है, दोनों क्या है सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा Z1 और Z2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, देखिए A1 कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 को क्या लिख सकते हैं π/4 D1 स्क्वायर, B1 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर इंटू V2 ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं π/4 से π/4 कैंसिल आउट, ठीक है, तो दूसरे पेन से लिख देता हूँ π/4 से π/4 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अपने पास निकल के क्या आया D1 अपने पास क्या है, D1 क्या 240, D2 क्या 480, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 2 का स्क्वायर, भाई 480 अपॉन 240 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो V1 इज इक्वल टू 4 V2,
v1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 4v2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, v1 इज इक्वल टू 4v2 इतना आपको समझ में आ गया होगा। बस एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, जस्ट अपन को कैलकुलेशन बाकी है, अब इसमें और भी कुछ नहीं है, इसमें क्या है जस्ट कैलकुलेशन बाकी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं लिख दिया, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो अब ये टर्म, ये जो डायग्राम अब मैं मिटा देता हूँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर अपन सॉल्यूशन करते हैं, देखो देखो ध्यान से, ये चीज़ अपने पास आ गई। अब अपन क्या करेंगे, P2 by rho g माइनस P1 by rho g, तो 10 आ गया था, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू P2 by rho g माइनस P1 by rho g को क्या लिख सकते हैं, 10 mm, मैं ध्यान रखना वो 10/1000, इतना चीज़ क्लियर। और ये क्या था, प्लस हेड लॉस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के कारण लॉस क्या होगा, हेड लॉस एक्सपेंशन का भाई क्या था, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। v1 किसके इक्वल है, 4v2 के, 4v2 माइनस v2 क्या हो जाएगा, 3v2, और 3v2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9v2 स्क्वायर अपॉन 2g। इतनी चीज़ क्लियर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, v1 आप क्या लिख सकते हैं, 4v2, तो 4v2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16v2 स्क्वायर, 16v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर 15v2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 15v2 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 10 अपॉन 1000 प्लस इधर क्या हो जाएगा, 9v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब जस्ट इसमें कैलकुलेशन है, यहाँ से लेके आओगे तो 15 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 6 v2 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 10 अपॉन 1000। अब आप देख लें, जस्ट कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, जो कॉन्सेप्ट था मेन आपको कॉन्सेप्ट पे चलना है, ये कैलकुलेशन नहीं करना 10 × 20 कर रहे हो 20, जस्ट मैं आपको उस पर ध्यान दूँ वो चीज़ समझ में आई या नहीं समझ में आई, अब इसके पीछे मत भागो, आप कैलकुलेशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया, सडन राइज इनका मतलब समझ में आया नहीं आया, जब आप इसको सॉल्व करोगे मैं आपको आंसर बताता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, V2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉल्व करके देख लेना, V2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.1808। देखो बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे, 10 mm में ना सीधे 10 लिख देंगे, वो mm में ध्यान रखना, उसको मीटर में चेंज करो पहले, क्योंकि अपन सारे यूनिट SI में ले रहे हैं। V2 आ जाएगा 0.1808 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो डिस्चार्ज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, π/4 d2² × v2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, d2 आपको दे रखा है तो आपके पास आ जाएगा 0.0327 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसको जब आप लीटर में रखोगे तो आ जाएगा आपके पास 32.7। सर लूप यहाँ से हो जाएगा, है ना, आवाज आ रही, तो देखो ये क्या जाएगा, लीटर पर सेकंड, कैसे चेंज करते हैं आप जानते हो, एक मीटर क्यूब में क्या होता है, एक मीटर क्यूब में देखो थोड़ा बोर्ड हैंग करा तो इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, आप समझ जाओ पहले जो जो मैंने क्या करा है, ये स्टेप मैंने आपको दिखा दिया, ये इसमें स्टेप है, कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जस्ट इधर तो कैलकुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आपको। ठीक है, एक बार इसको देखता हूँ मैं बोर्ड को, देखो अब, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख जाएगा जो भी देखेगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, अब अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको थोड़ी देर बाद में कराऊंगा, क्योंकि जब तक आप कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं करोगे ना इसमें जो सडन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वाले, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सिंपल आते हैं, आपको एक बार बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसके बाद में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाता हूँ आपको,
आपका नंबर का है सेकंड नंबर का, देखिए ये क्वेश्चन है, समझो ध्यान से, देख नहीं रहा तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, फिर अपन अपना क्वेश्चन क्या करते हैं ये करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 मीटर व्हेन वन एंड ऑफ द पाइप इज कनेक्टेड टू अ टैंक एंड अदर एंड ऑफ पाइप इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, द पाइप इज हॉरिजॉन्टल एंड द हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर अबाउ द सेंटर ऑफ पाइप, कंसिडर ऑल माइनर लॉसेज एंड फ्रिक्शन कोफिशियंट। देखिए ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, बस ये क्या दे रखा है आपको, फ्रिक्शन कोफिशियंट दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, फ्रिक्शन कोफिशियंट है, फ्रिक्शन फैक्टर नहीं है बस, और अब आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, क्योंकि ये एक दो चीज़ आपने पकड़ ली ना, एक दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लिए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बहुत सिंपल आता है, उससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ये दो तीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ये कुछ दे रखा है, पाइप दे रखा है, ये एक पाइप है, ठीक है, ये टैंक से कनेक्टेड है, ये मान लीजिए कैसे टैंक से कनेक्टेड है, इसमें क्या है वाटर है, इसमें क्या है वाटर है, देखिए इसमें क्या है वाटर है। अब ऐसा कुछ दे रखा है ना, डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो वाटर थ्रू अ पाइप, इस पाइप का आपको डायमीटर कितना दे रखा है, इसको इसका आपको डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे रखी है लेंथ दे रखी है 50 मीटर, लेंथ आपको क्या दे रखी है 50 मीटर लेंथ आपको दे दी, एंड वन एंड ऑफ द पाइप इज कनेक्टेड टू अ टैंक, एक टैंक में क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया, और एक क्या है ओपन है एटमोसफेयर पर, ठीक है, ओपन टू द एटमोसफेयर, द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर अबाउट द सेंटर ऑफ पाइप, जो सेंटर ऑफ पाइप है ना, सेंटर ऑफ पाइप ये यहाँ से जो इसका वाटर का लेवल है कितना दे रखा है आपको डियर, ये आपको दे रखा है 4 मीटर, ये आपको कितना दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है 4 मीटर अबाउट द सेंटर ऑफ पाइप, कंसिडर ऑल माइनर लॉसेज, फ्रिक्शन कोफिशियंट आपको दे रखा है 0.009, आराम से करना, देखते हैं क्या। देखिए बेसिकली अपन को इसमें निकालना क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा लगाते हैं साइड में, अब देखिए क्वेश्चन वेश्चन आपने कर चुके हैं, अब देखो जस्ट क्या करना है, देखो इन क्वेश्चन में मेनली क्या होता है, अपन को बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करनी है, उसी से अपन को निकलेंगे, तो अपन क्या करते हैं, मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, एक पॉइंट ये अभी आपको पता पड़ेगा क्यों ले रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अपन को सारे लॉसेज क्या है इसमें कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने इस जगह ले लिया, ध्यान से समझना, एक पॉइंट मैंने ले लिया इस जगह, ठीक है। देखिए ये थोड़े क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इतनी से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, सीधी सी बात यह है, अगर आप FLV²/2GD ऐसे ऐसे फॉर्मूले पे चार क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो उससे कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि अब मैं गेट का ही सोच रहा हूँ, मैकेनिकल के लिए मैं गेट तक लेवल का ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अपन को लेके चलना है, तो जस्ट क्या होगा, मैंने यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दी इसके और इसके बीच में, तो मैंने जब अप्लाई करी तो मेरे को मिला P1/V1²/2G+Z=P2/ρg+V2²/2G+Z2+Head loss। अब मुझे नहीं पता हेड लॉस किस किस वजह से आ रहा है, जो मेरे को दिखा मैंने जस्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मुझे एक चीज़ बताइए आप, सिंपल एक चीज़, बर्नौली इक्वेशन जब मैंने लिखी थी मैंने उसमें क्या बताया था, प्रेशर कौन सा है, एब्सोल्यूट है, कौन सा है, जल्दी बताइए,
भाई पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड जी का जो कॉन्स्टेंट लिखा था नहीं लिखा था, तो उसमें प्रेशर कौन सा है? गेज प्रेशर है ना, बहुत बढ़िया। तो देखो इस जगह प्रेशर कौन सा ऐड कर रहा है, ध्यान से समझना, इस जगह प्रेशर ऐड कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरा पॉइंट मैंने बिल्कुल इधर लिया, इस जगह भी क्या कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, जस्ट बेसिक है। इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर रहा है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस जगह वेलोसिटी क्या होगी भाई, ऑब्वियसली फ्री सरफेस है, इस पर क्या है, वेलोसिटी जीरो होगी। तो भाई पी वन जीरो हो गया, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि पी वन ऐसे नहीं बोल रहा प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहा है। अपन को बर्नौली में कौन सा लेते हैं, गेज प्रेशर। पी वन इज इक्वल टू जीरो, वी वन इज इक्वल टू जीरो, मैंने ये रेफरेंस माना है, ये रेफरेंस माना, तो जेड वन को मैं क्या चार लिख सकता हूँ, ठीक है लिख सकते हैं, जेड वन को मैं लिख दिया चार। ठीक है, पी टू बाई रो जी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू क्या हो जाएगा, इस पर कोई पोटेंशियल ऐड रहेगा क्या भाई, अपन ने ये रेफरेंस मान लिया तो इधर जीरो, प्लस हेड लॉस, प्लस हेड लॉस। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, फोर इज इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस अपन को हेड लॉस निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक में कौन कौन से लॉस होंगे, देखो ध्यान से समझो, आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, टैंक में रखो दे इन रखा, ठीक है टैंक में। अब आप देखना यहाँ से यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन भाई, यहाँ से यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं इसमें तीन लॉस बताऊँगा आपको, सॉरी दो लॉस बताऊँगा, दोनों ध्यान से समझो। यहाँ से यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन भाई, यहाँ से यहाँ पर बोल सकते हैं ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, एक तो ये दिख रहा है, और एक इस पाइप में लॉस होगा, पाइप में लॉस कौन सा होगा, मेजर लॉस होगा, पाइप में लॉस कौन सा होगा, मेजर लॉस होगा, इसके अलावा कोई लॉस नहीं। अब आप बोलोगे एग्जिट पे अपन को वहाँ तक जाए नहीं, अपन तो पॉइंट ही यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत हो तो, नहीं है आराम से आप इसमें अप्लाई करोगे। तो हेड लॉस क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपन को सी सी की जरूरत पड़ रही थी, मैंने क्या बोला था, अगर नहीं दे रखा हो तो आप क्या लिखोगे, 0.5 वी टू स्क्वायर अपॉन 2GD। और एक इस पाइप में लॉस होगा, कौन सा होगा, मेजर लॉस होगा, FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, बट इधर क्या लगाना, 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, क्यों, क्योंकि इस जगह फ्रिक्शन फैक्टर नहीं दे रखा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, तो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट आप लगाओगे 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। ठीक है, इसमें डी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, 2G आएगा सिर्फ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ये आपको वेलोसिटी ये कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, क्योंकि कौन से पाइप की बात कर रहे हैं, इस वाले पाइप में अपन ने क्या माना है, 2 माना है, ये वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको वेलोसिटी के जस्ट डायरेक्ट बताता हूँ, कुछ बच्चे ने कर भी लिया होगा, आंसर आया क्या किसी का, देखता हूँ मैं चेक करके बताता हूँ आपको। किसी का आंसर आया क्या वेलोसिटी का, वेलोसिटी का आंसर निकाल के बताओ मेरे को एक बार। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, आपको क्या नहीं मिल रहा, फ्रिक्शन फैक्टर आपको दे रखा है, लेंथ आपको दे रखी है, डायमीटर आपको दे रखा है, फोर तो क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 0.5 करना है, ये करना है। चलो मैं करके बताता हूँ, इसमें देखो सब जगह क्या ले लो कॉमन, 2G कॉमन है, तो 2G को इधर भेज दो और बना दो 8G, ठीक है, इसको बना दो 4 × 2G क्या हो जाएगा, 8G। ठीक है, यहाँ पे भी वी स्क्वायर है, यहाँ पर वी स्क्वायर है, यहाँ पर वी टू स्क्वायर है, वी टू स्क्वायर आप ले लीजिए कॉमन। ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा, 2G अपन पहले चल गया था, वी स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अपने पास अंदर क्या बचेगा, इस जगह पहले वाले टर्म में से क्या बचेगा, 1, इधर क्या बचेगा, 0.5 को क्या लिख दूँ मैं, 1/2 लिख दूँ, इधर क्या बचेगा, 4 × 0.009, लेंथ आपको कितनी दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 50, अपॉन डायमीटर भी आएगा, डायमीटर आपको कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2। जस्ट ये सिंपल कैलकुलेशन है, अब आप ये सॉल्व कर लेना, इसके बाद में आप कॉन्सेप्ट आपको समझ पड़ेगा। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.73
मीटर पर सेकंड, और डिस्चार्ज की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर डी, डायमीटर कितना है 0.2, पॉइंट स्क्वायर इंटू 2.73 इज इक्वल टू, डिस्चार्ज आपके पास आ जाएगा 0.08576 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर आप लोगे लीटर में तो कितना हो जाएगा 85 लीटर पर सेकंड। बताइए कोई दिक्कत हो तो, कुछ भी दिक्कत हो पूछ लो आराम से। हाँ देखो यार, चलो वापस समझ लो, वन से टू के बीच में अपन ने क्या करा है, जस्ट बंडूल इक्वेशन अप्लाई करी है, पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इजिकल्स टू पी टू बाय रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जे टू, ठीक है। और इसमें अपन ने हेड लॉस कंसिडर कर लिया, हेड लॉस क्या हो जाएगा, ठीक है, हेड लॉस किस किस वजह से हो जाएगा, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन, और ये पाइप में जो मेजर लॉस होगा एक वो कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाएगा 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में मेजर लॉस हो जाएगा एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2gd, अपन 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2gd लेंगे, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि अपन को फ्रिक्शन कोफिशियंट दे रखा है, फ्रैक्टर नहीं दे रखा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बताइए जस्ट सिंपल, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही तो आप वीडियो को वापस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, ठीक है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, वापस मैंने समझा दिया पूरा, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करता हूँ। म्यूट करें देखिए, अब आवाज आई होगी, ठीक है, इतनी चीज क्लियर, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ के समझा रहा हूँ मैं, देखो, अ हॉरिजेंटल पाइपलाइन 40 मीटर लॉन्ग इज कनेक्टेड टू अ वाटर टैंक एट वन एंड एंड डिस्चार्ज फ्रीली इनटू एटमॉस्फेयर एट द अदर एंड, फॉर द फर्स्ट 25 मीटर ऑफ इट्स लेंथ फ्रॉम द टैंक द पाइप इज 150 mm डायमीटर एंड इट्स डायमीटर इज सडनली इनलार्ज टू 300 mm, द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक इज 8 meters अबाउट द सेंटर ऑफ पाइप, कंसिडरिंग ऑल लॉसेज ऑफ हेड विच अकर्स डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, टेक फ्रिक्शन फैक्टर आपको दे रखा है, सॉरी ये भी फ्रिक्शन कोफिशियंट है, ठीक है, फॉर बोथ सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक है, मतलब समझते, देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है, देखो ये क्या है, ये एक पाइपलाइन आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखी है, पाइपलाइन दे रखी है, क्वेश्चन का मैं मतलब वापस समझा दूंगा पढ़ के, ये आपको एक पाइपलाइन दे रखी है, ठीक है, और पाइपलाइन क्या है, जिसकी लेंथ है पूरी क्या है 40 mm है, 40 मीटर है, और इसमें आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट 25 मीटर में जो इसका डायमीटर है वो कितना है, इस जगह लेंथ मान लीजिए आप L1 मान लीजिए 25 मीटर, ठीक है, इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर वो कितना है 150 mm, तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। अब इसके बाद में क्या है, सडनली इनलार्ज टू 300 mm, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, सडनली क्या कर दिया, इनलार्ज टू कितना कर दिया अपन को 300 mm, तो अपन को इसका जो कितना दे रखा है d2 हो जाएगा 0.3 मीटर,
और लेंथ टोटल 40 थी तो ये कितनी हो जाएगी L2 15 मीटर। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ये आपका ये क्वेश्चन आपका जस्ट होमवर्क ही रहेगा, एक तरह से देख लो। ये हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन दे दी, लॉन्ग इज कनेक्टेड टू वाटर टैंक एट वन एंड डिस्चार्ज फ्रीली। देखो ये क्या है, सिमिलरली ये क्या है, वाटर एक जो टैंक है उससे क्या है कनेक्टेड है, वाटर टैंक से क्या है कनेक्टर है, और इसमें जो टैंक में जो वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल क्या है जो ये, देखो ये बिल्कुल थोड़ा सा टिल्ट बनाया लेकिन आप समझ गए होंगे इसका जो लेवल है वो कितना होगा, ये क्योंकि एक होमवर्क ही मैं तो आपको जस्ट समझा रहा हूँ मैं कितना है। इसमें जो लेवल आपको दे रखा है फॉर द फर्स्ट 8 मीटर आपको लेवल दे रखा है, 8 मीटर आपको लेवल दे रखा है। अब आपको क्या देखना है, फ्रिक्शन फैक्टर सब दे रखा है, सारे लॉसेज अपन को करना है, आपको इसमें क्या निकालना है डिस्चार्ज इसमें निकालना है, इसमें आपको क्या निकालना है डिस्चार्ज इसमें आपको निकालना है, ये चीज़ क्लियर। अब देखिए बात को, आपको इसमें क्या निकालना है, जस्ट बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बर्नौली इक्वेशन क्या अप्लाई करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। बात करते हैं लॉसेज कौन कौन से होंगे, यहाँ पर अगर बात करोगे सडन कॉन्ट्रैक्शन का क्या हो जाएगा 0.5V² / 2G, एक इसका मेजर लॉस होगा इस पाइप का, और यहाँ से क्या हो जाएगा सडन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का क्या हो जाएगा V1 - V2² / 2G। बात करते हैं इसमें, इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई लॉस होगा क्या, हाँ इसका मेजर लॉस होगा, वो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क था, अब आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप मेरे को आंसर बता दिएगा, चाहे भी कर लो कभी भी, ठीक है। तो ये जस्ट आपका एक होमवर्क था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलता है, देखो देखो होगा क्या, जैसे अभी मान लीजिए अभी अपन ने हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन बनी ना, तो वो जो अपन हेडिंग डाल लीजिए आप HGL एंड TL फॉर डिफरेंट फ्लो फॉर डिफरेंट केसेस है ना। अब अपन डिफरेंट केसेस के लिए अब अपन पढ़ते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, सडन एक्सपेंशन मैंने बताया था, यहां से यहां पर क्या था सडन एक्सपेंशन। तो क्या कर रहे हैं अपन को HGL और TEL ड्रॉ करनी है। तो देखो मैंने क्या बोला, इस जगह देखो यहाँ से यहाँ पर अगर बात करोगे HGL की बात करोगे तो प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप ही होगा, तो यहाँ पर ये होगा, इस जगह क्या हो जाएगा एरिया बढ़ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी राइज कर जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक तो वैसे प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये आपकी बन जाएगी HGL। और अभी अपन ने क्वेश्चन भी करा था तो इसमें तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बात करें टोटल एनर्जी की, बात करें भाई टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी ऑल भाई ऑब्वियसली फ्लो के दौरान लॉस ही होता रहेगा, टोटल एनर्जी ये आपकी बन गई टोटल एनर्जी। मैंने जस्ट ये बोला टोटल एनर्जी में एकदम से सडन ड्रॉप आया और आगे और लॉस होता रही, ठीक है ना, और आगे और मुझे ये बता दो किसकी वजह से आया ये जो ड्रॉप आया ना टोटल एनर्जी में, एक सडन ड्रॉप आया वो किसकी वजह से आया बताऊँ क्यों, क्योंकि इधर क्या लॉस होगा ड्यू टू सडन एक्सपेंशन में लॉस होगा, और लॉस किस में टोटल एनर्जी में लॉस होगा, तो इधर जो टोटल एनर्जी का क्या होगा इस जगह क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो फ्लो के दौरान यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा कम होता जा रहा, आगे भी कम होगी, लेकिन इस जगह सडन ड्रॉप आया वो किसकी वजह से आया, क्योंकि जो टी ये कौन सी लाइन है टी एल टोटल एनर्जी लाइन, क्योंकि इधर क्या है सडन एक्सपेंशन है, इतनी बात क्लियर, बताओ आगे कोई दिक्कत हो तो। अब बात करते हैं एच जी एल की बात हो गई, किसके लिए अपने सडन एक्सपेंशन की बात हो गई, बात करते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन की। बात क्या करते हैं सडन देखिए, अब अपन सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसमें HGL और TL अपन को ड्रॉ करना है। तो सिंपल सी चीज़, HGL क्या होगी, यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है प्रेशर का, तो हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन ऐसे आएगी। इस जगह क्या होगा डियर, ध्यान से समझना, इस जगह क्या होगा,
इस जगह क्या हो रहा है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया में बिल्कुल क्या हो रहा है, एकदम से कम हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर वैसे ही लॉस हो जाएगा। तो ये बन गया इसकी एच जी एल। अभी प्रीवियस केस में अपन ने क्या देखा था, एच जी एल बढ़ भी रहा था, एच जी एल बढ़ रहा था, इस केस में अपन ने एच जी एल घटते हुए देख लिया, ठीक है ना, मतलब ड्रॉप भी देख लिया। जरूर नहीं है राइज ही करेगी, फॉल ही करेगी, ठीक है, एच जी एल क्या राइज भी कर ली थी पिछले केस में, फॉल वापस समझाता हूँ कैसे। यहाँ से यहाँ तक में तो क्या हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप होगा ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल हेड में तो कोई डिफरेंस आ नहीं रहा, तो प्रेशर हेड में तो चेंज होगा ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये बन गई आपकी लाइन एच जी एल, ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन कैसे है, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ पर में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर में क्या होगा, सडन एक्सपेंशन, सॉरी सडन कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, सडन कॉन्ट्रेक्शन होने एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर बात करें टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो क्या होगा, सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हो ही रही थी, यहाँ पर और ड्रॉप होगी क्यों, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन, ये और ड्रॉप हो गई और आगे जाके और ड्रॉप हो जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर, देखिए ये आपके बन गई इन चीज़ के बाद। अब देखिए डियर, अभी इस क्लास के लिए आज के लिए इतना ही रहेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि अभी थोड़े क्लासेज है, नेक्स्ट अभी एनालिसिस होंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आज अपना सैटरडे है, कल संडे है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी और आज क्लास इतनी रहेगी। देखिए इसका कारण देखिए, क्योंकि देखिए लॉस नहीं होगा, प्रॉमिस करते हैं फ्राइडे सैटरडे के आसपास इसकी क्लास एक्स्ट्रा करवा देंगे। अभी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी स्लॉट अभी मिल नहीं रहा, ठीक है, और 20 सितंबर से के आसपास आपके रेगुलर कर देंगे, तो बिल्कुल गुस्सा मत होइए, आपकी क्लास 100% में एक्स्ट्रा लगा दूंगा 100%, और 20 सितंबर के आसपास आपकी क्लास रेगुलर करने वाले हैं। तो बस ये आज के लिए इतना ही। तो फ्लूड जो अपना फ्लो थ्रू पाइप्स है, अपने दो लेक्चर बन चुके, एक मैंने आपको प्रीवियस जो वीक था उसमें करवाया था, ये आपका फ्लो थ्रू पाइप्स पार्ट टू हो गया, ठीक है, तो इसमें एक पार्ट और बचा है, तो वो मैं नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करा के क्लासेज आपको रेगुलर करने वाले हैं, तो गुस्से की बात मत करिए आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, बाय।